जीएसटी जहां 1 तारीख से लागू होना है देश भर में, वहीं झारखंड में थोक विक्रेता संघ जीएसटी वस्त्र पर कपड़े पर लागू होने लगाने के विरोध में लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसके लागू होने से वस्त्र व्यापार काफी प्रभावित, छोटे व्यापारी खासकर ज्यादातर प्रभावित होंगे। आप सबसे पहले तो उन्होंने कंप्यूटर लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा या एक स्टाफ को रखना पड़ेगा। जो 50,000 रुपये महीना बा मुश्किल कमा सकता है, वो 30,000 रुपये का आदमी कहाँ से। कपड़े पर आजादी से लेकर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा है। कारण जो जीएसटी के प्रावधान आ रहे हैं इसके अंदर काफी जटिलताएं हैं, जो कपड़े व्यापारी अभी तक इसके सक्षम नहीं है कि इसको पूरा कर पाएंगे। तो 27 दिनों के अंदर में, आप 1 जुलाई को लगाने वाले हो, 27 दिनों के अंदर में आप 70 साल की एक व्यवस्था को नोटबंदी की तरह आधी रात में घंटा बजा करके और ये घोषणा करोगे कि कल से आप व्यापार भी मत करो, तो ये मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को नहीं समझा गया, हमारी बातें जो हैं उन्होंने नहीं सुनी है। कपड़े के मामले में सरकार में आपस में जो है एक कंट्रोवर्सी, वो समझ नहीं पा रही है कि ये जो कपड़ा जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं वो फैब्रिक्स है। एक स्टिचिंग कपड़ा आता है जिसमें शुरू से ही वेट लिया जा रहा है सरकार की ओर से, उसमें जीएसटी लगा या लग रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारा जो कपड़ा है वस्त्र है, वो वस्त्र जिसको हम लोग 2-2 मीटर 3-3 मीटर 5-5 मीटर काट के लोगों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जीएसटी की जानकारी अगर दूसरे व्यापारियों की बात करें तो पूरी तरह से नहीं है और वो अभी असमंजस में है कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मंजर देखने को मिल रहा है, थोक विक्रेता संघ पूरे तरह से आंदोलनरत है और लगातार मांग कर रहे हैं कि कपड़े से जीएसटी कपड़े में लागू नहीं हो, टैक्स लागू नहीं हो, इन्हें मुक्त रखा जाए, अन्यथा इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, APN रांची।